गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में 28 मई को गढ़वाल क्षत्रिय समिति की यहाँ पे 100 साल जो पूरे हो गए हैं उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि उस समय क्षत्रिय समाज पढ़ाई लिखाई के लिए काफी संघर्षरत था। तो उस समय के लोग जिसमें ठाकुर जोत सिंह नेगी थे, उनकी सोच थी कि किस तरह से क्षत्रिय समाज को संगठित किया जाए और छात्रवृत्ति के माध्यम से निर्धन छात्रों को धन उपलब्ध करा के उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए जिससे कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। ये पौड़ी में कार्यालय है गढ़वाल क्षत्रिय समिति का और मेरे साथ यहाँ पर जगदीश बिज जी हैं, दलवीर सिंह नेगी जी हैं और गुरुजी हैं हमारे मोहन सिंह रावत जी मंत्री हैं जो समिति के इस समय। बिज जी से मैं विशेष तौर पर पूछूंगा कि जो ये 28 तारीख का कार्यक्रम है वो क्या क्या उसमें किया जाएगा, कौन मुख्य अतिथि हैं और थोड़ा सा वो इतिहास के झरोके में भी जाएंगे कि जो ठाकुर जोत सिंह नेगी जी थे वो कौन थे और किस तरह से इस समिति की स्थापना हुई। बीर जी सबसे पहले ये बताइए कि जो क्षत्रिय समाज की ये समिति है गढ़वाल क्षत्रिय समिति, 100 साल इसके पूरे हो गए हैं और 100 साल बाद क्षत्रिय समाज निश्चित तौर पर आगे तो बढ़ा है लेकिन आज भी कई इस तरह के चैलेंज हैं जो समाज के सामने खड़े हैं। रोजगार के प्रश्न वही हैं क्योंकि हम लोगों को आरक्षण भी नहीं मिलता, तो आगे इस समिति के क्या क्या कार्यक्रम हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गढ़वाल क्षत्रिय समिति का ये एक शताब्दी वर्ष है जो 28 मई को मनाया जा रहा है और इसके संस्थापक ठाकुर जोत सिंह नेगी जी जिन्होंने इसकी स्थापना मई 1919 में की थी, तो उस समय हमारे समाज की जो दशा थी क्षत्रिय समाज की वो निश्चित रूप से दयनीय थी, बल्कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ दयनीय स्थिति थी। तो ठाकुर जोत सिंह नेगी जी ने उस स्थिति को देखते हुए और समाज में क्षत्रियों के जो स्थिति और दुर्दशा थी शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए प्रयासरत रहने के लिए और उनको निर्धन हमारे जो मतलब छात्र थे मेधावी छात्र थे लेकिन वो किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनके लिए उन्होंने जो है क्षत्रिय समाज की स्थापना की, समाज में एक रूपता लाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और समाज में कई हमारी जो कुरूतियाँ थी उनको दूर करने के लिए क्षत्रिय समाज में एकजुटता के लिए उन्होंने गढ़वाल क्षत्रिय समिति की स्थापना की। क्षत्रिय समिति की स्थापना के पीछे शिक्षा को का प्रचार प्रसार तो था ही जो उनका मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने बाद में धर्मार्थ कोष की स्थापना की और जिससे हम निर्धन छात्र छात्राओं को जो है उसमें उनको जो है मतलब किसी आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, आज भी कर रहे हैं और उस आर्थिक सहायता के आधार पे आज हमारे समाज के कई छात्र और छात्राएं बड़े उच्च पदों पे आसीन हैं। तो इसके अतिरिक्त हम लोगों ने क्षत्रिय समाज की जो दुर्दशा थी, क्षत्रिय समाज के किस तरीके से व्याप्त हमारे जो अपने कई कुरीतियाँ थी उनके विषय में भी ठाकुर जोत सिंह नेगी जी ने कार्य किए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के टाइम में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कई कुप्रथाएं अंग्रेजों द्वारा जो हम पर लादी गई थी जिसमें सबसे अधिक पीड़ित हमारा ही समाज था, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी ठाकुर जोत सिंह नेगी जी ने प्रयास किए और उसमें सफल भी रहे। मेरे साथ यहाँ पे मोहन सिंह रावत जी भी हैं जो मेरे गुरु जी हैं, ये भी मैं जब पढ़ता था तो आप मेरे गुरु रहे वहाँ पे। आप यहाँ पे मंत्री हैं समिति के, उनसे भी जानकारी लेंगे कि जो 28 तारीख का कार्यक्रम है यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन है। गुरु जी बताइए कि जो 28 तारीख का कार्यक्रम है इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? हमारे जो मुख्य अतिथि हैं केरी रियासत से संबंध रखते हैं ठाकुर भवानी प्रताप जी और चश्मौर रियासत के प्रतिनिधि हैं कुंवर अतुल्य प्रताप जी, हमारे मुख्य अतिथि हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोही हसवंती बिस्ट वो हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में होंगी और हमारे गढ़वाल के प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी ठाकुर सुंदर सिंह जी चौहान सतपुरी वाले वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं।
वक्ता के रूप में हमने सहारनपुर से एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि पत्रिका का संपादन करते हैं राजनीति सिंगलावत जी, वो हमारे बीच में होंगे और तमाम देहरादून हरिद्वार और कोटद्वार से जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो उनके पदाधिकारी उनकी पूरी टीम कार्यकर्ता के लोग हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। 11 बजे हमारा कार्यक्रम होगा और जैसा कि सामान्य रूप से सम्मेलन में चलता है सरस्वती यानी दीप प्रज्वलन के बाद उनका माल्यार्पण अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाएंगे और स्वागत गान स्वागत भाषण और उसके बाद मंत्री की जो अब तक की जो छत्र समिति की जो 100 साल रहे हैं उसका एक संक्षिप्त इतिहास संक्षिप्त कार्योजना मंत्री द्वारा प्रस्तुत मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद हमारे जो संयोजक हैं जगदीश मिश्र जी वो भविष्य की क्या रणनीति हो सकती है, भविष्य के लिए हमारी क्या कार्ययोजना हो सकती है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ दलवीर सिंह नेगी जी भी हैं जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सक्रिय सदस्य हैं और नगर पालिका का चुनाव पूर्व में उन्होंने लड़ा था, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह से जो यहाँ पे क्षत्रिय समाज है उसको आमंत्रित किया जा रहा है और तकरीबन कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं और खासतौर पे क्योंकि ये कार्यक्रम पौड़ी में आयोजित हो रहा है तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं पौड़ी को लेकर। सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षत्रिय जो सम्मेलन हमारा 28 तारीख को हो रहा है उसके लिए आप सभी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और क्षत्रिय समाज के जो हमारे वक्ता हैं उनके विचारों को सुने। इसमें हम जो है कि आगे की भी रणनीति हमारी तय की जाएगी क्योंकि जो है कि हमारा क्षत्रिय समाज का ही जो है कि उद्देश्य उनका ही उनका ही विकास करना उद्देश्य नहीं है। हमारा जो है कि तमाम जितने भी जो है कि चाहे गुजरात में जो है कि दैवीय आपदा के समय में जो है कि हमारी जो है कि क्षत्रिय समाज द्वारा जो है कि वहाँ भी जो है कि सहयोग किया गया, तमाम देश में जहाँ जहाँ भी जो है कि आपदा आती है वहाँ पूरा सहयोग किया जाता है और हम चाह रहे हैं कि जो है कि आज क्षत्रिय जो गढ़वाल क्षत्रिय समाज है इसको 100 साल पूरे हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में एक सम्मेलन रखा गया है और उसी उसमें जो है कि वक्ता जो है कि आगे की रणनीति भी तय करेंगे और हम चाहते हैं कि जो है कि अपने समाज के अलावा हम जो है कि देश के लिए भी जो है कि कुछ करें और आप लोगों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर और संगठित होकर राष्ट्र के निर्माण में और हम सब लोग जो है कि आगे बढ़े यही मेरा। दलवीर भाई तारीख को लोग पहुंचेंगे वो कहां पर पहुंचे कितने बजे पहुंचे? जो हमारा कार्यक्रम है ये ऑडिटोरियम में रखा गया है, ऑडिटोरियम में 10 बजे से जो है कि कार्यक्रम शुरू होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है कि ऑडिटोरियम में प्रेक्षा गृह पौड़ी में पहुंचने की कृपा करें जो कि कलेक्ट्रेट के सामने है और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है कि आप लोगों के बैठने के लिए की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे जो है कि जो हमारा उद्देश्य है देश राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारा उद्देश्य है उसमें अपना सहयोग करें। तो गढ़वाल क्षत्रिय समिति का जो ये शताब्दी समारोह है इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं, इसमें कोई ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज या वैश्य शूद्र समाज ऐसा कुछ भी नहीं है, एक केवल एक समिति का नाम है और क्योंकि क्षत्रिय लोग पहले से ही जागरूक रहे हैं चाहे देश के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो या किसान के रूप में काम करने की बात हो, अब जब 100 साल बाद ये समाज आगे बढ़ा है तो अब ये आगे सोच होगी कि किस तरह से और आगे बढ़ के देश हित में और बेहतर काम किया जाए। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।